नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अप्रैल 2023 के इस महीने में आ चुकी है बंपर भर्तियां। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर आए हैं जो कि अप्रैल के इस महीने में बंपर भर्तियां जारी की गई है। दोस्तों अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से ये भर्तियां हैं, रेलवे, SSC, बैंक, पुलिस, आर्मी, सभी डिपार्टमेंट से ये भर्तियां निकाली गई है। तो दोस्तों अगर आप केवल 10वीं क्लास पास हैं या फिर अगर आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं इस साल 2023 में, तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएंगे कैसे मिलेगी आपको एक 100% सरकारी नौकरी। दोस्तों यहां पर जो ज्यादातर भर्तियां निकाली गई है बिना एग्जाम के, बिल्कुल सीधी भर्तियां हैं, तो अगर आप बिना एग्जाम के भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इन भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। दोस्तों इन भर्तियों के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा, बट अप्लाई करने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको इन तमाम भर्तियों की जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और रोजाना इसी प्रकार सरकारी भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार आप सभी के लिए नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले लेकर आए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अप्रैल 2023 के इस महीने की बंपर भर्तियों के बारे में। 5 नई सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। आप में से ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि इन भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए गए, तभी उन कैंडिडेट्स ने आवेदन नहीं किया है। दोस्तों अगर आप अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर एक सरकारी नौकरी मिल सकती है क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है इन भर्तियों के बारे में। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो सरकारी नौकरी निकाली गई है दोस्तों अप्रैल के महीने में, ये बिना परीक्षा के सीधी भर्तियां हैं, ज्यादातर कक्षा 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है। और ध्यान रखिएगा ये जो भर्तियां हैं ऑल इंडिया की भर्ती है, यानी कि भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 साल से 55 साल तक के कैंडिडेट्स के लिए भर्तियां हैं और आवेदन यहां पर ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, एक एक भर्ती के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। दोस्तों हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है sarkaritodaynews.com। यहां पर आपको सबसे पहले सरकारी नौकरी की जानकारी दी जाती है। तो साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, यहां पर आपको बंपर भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक करके आपको तमाम भर्तियों की जानकारी देते हैं, एक एक करके आपको सभी भर्तियों की जानकारी देंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट से यह भर्तियां निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले नंबर की जो भर्ती है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की तरफ से इस साल 2023 की आ चुकी है नई भर्ती। यहां पर जो पोस्ट जारी की गई है वो आप देख सकते हैं, चैनल मैनेजर, फैकिलेटर की वैकेंसी है, सुपरवाइजर की वैकेंसी है और सपोर्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। कुल मिला के 1031 पोस्ट पर भर्ती है जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की यह भर्ती देखने को मिल रही है मेल फीमेल सभी के लिए और सिलेक्शन का प्रोसेस केवल इंटरव्यू के माध्यम से रखा गया है। सैलरी की बात की जाए तो 41,000 रुपए महीना आपको सैलरी भी मिल रही है और जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की है। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो है एज पर रूल्स रहेगी और एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर 12वीं क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कम से कम, ठीक है। इसके आवेदन जो है 1 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, 30 अप्रैल तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं साफ साफ आपको बताया गया है इसके आवेदन जो है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेंगे। बाकी तमाम भर्तियों की जानकारी आप ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की भर्ती की ओर जो निकाली जा रही है एयर इंडिया की तरफ से। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। यहां पर जो पोस्ट जारी की गई है वो मल्टीपल पोस्ट है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की है, रेम सर्विस एग्जीक्यूटिव की है, यूटिलिटी एजेंट एंड रेम ड्राइवर की है, हैंडीमैन की है। कुल मिला के लगभग 500 पदों पर भर्ती है। यहां पर जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है मेल फीमेल के लिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो फिजिकल टेस्ट और आपका इंटरव्यू होगा, आपकी एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती है। सैलरी आपको 21,000 से 25,000 रुपए लगभग आपको महीना सैलरी मिल रही है। एज लिमिट जो है 18 साल से 50 साल रखी गई है और आई सीमा में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस जो है दोस्तों जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए जो कि नॉन रिफंडेबल है, बाकी SC ST के लिए फ्री है। और पेमेंट जो है आप अदर कैंडिडेट्स को डिमांड ड्राफ्ट DD के द्वारा करना होगा।
क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 10वीं पास, आईटीआई पास, 12th पास, डिप्लोमा और डिग्री पास के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पर जो आवेदन है आपको बता दें वॉक इंटरव्यू के माध्यम से करना होगा। 17 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को इंटरव्यू के समय जमा करा सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग डेट पे इंटरव्यू है, यानी कि 20 अप्रैल तक आपका इंटरव्यू चलेंगे। एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है और पद कितने कितने पद हैं, कौन कौन से पद हैं और एयरपोर्ट जो रहेगा चेन्नई का रहेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया जिसको आपको भर करके सबमिट करना होगा इंटरव्यू के समय। यह रहा एप्लीकेशन फॉर्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, रेलवे की भर्ती है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इरकॉन की तरफ से इस साल 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पद जो है वर्क्स इंजीनियर के हैं, यहां पर सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में है, एसएनटी में है। टोटल 34 पद पे भर्ती है। आवेदन आपसे ऑनलाइन ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए और जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की है। सैलरी आपको 36,000 से 40,000 रुपए महीना मिलेगी। सिलेक्शन का प्रोसेस केवल इंटरव्यू के थ्रू रहेगा। एज लिमिट जो है दोस्तों मैक्सिमम 30 साल है। एज का इलेक्शन भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जो है यहां पर बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर अगर आप ग्रेजुएट पास है यानी कि डिग्री आपके पास है रिलेवेंट फील्ड के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप बताते हैं कि यहां पर वॉक इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा तो 17 से 26 अप्रैल तक आपका इंटरव्यू चलेगा। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने आ जाएगा नोटिफिकेशन, इसे चेकआउट कीजिएगा और इंटरव्यू के लिए जरूर विजिट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बात करते हैं एक और बंपर भर्ती की जो निकाली जा रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से, सीजीएल की भर्ती। दोस्तों यहां पर असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और यहां पर ऑडिटर की वैकेंसी है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, टैक्स असिस्टेंट की है, सब इंस्पेक्टर की है। मल्टीपल जॉब से 7,500 से अधिक पद हैं। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, शुरू हो चुके हैं आवेदन। सिलेक्शन का प्रोसेस जो रहेगा टायर 1 और टायर 2 आपके दो पेपर होंगे, एग्जाम होंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो आप यहां से देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है सिलेक्शन पाना है तो। सैलरी आपको एसएससी के रूल्स के मुताबिक मिलेगी और ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 साल कम से कम है, अधिकतम जो है 32 साल है और आईसीयू में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी ऑल फीमेल और पीएच के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर क्वालिफिकेशन में केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी विषय के अंतर्गत आप ग्रेजुएट पास हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीटेक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की रहेगी। दोस्तों इसके आवेदन जो है 3 अप्रैल से 3 मई तक चलेंगे, तो 3 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। आपके एग्जाम जो है जुलाई में होंगे और एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। यहां से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी भर्ती की जानकारी यहां पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और बंपर भर्ती की जो निकाली जा रही है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, बिहार की तरफ से, यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है 10,101 पद का। 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती है। अमीन के पद हैं, असिस्टेंट के पद हैं, कनुंगो के पद हैं, क्लर्क के पद हैं। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है और रिटर्न एग्जाम आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। और सैलरी 31,000 से लगभग 60,000 रुपए आपको सैलरी मिल रही है, प्लस आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। बिहार की जॉब लोकेशन है। एज लिमिट जो है 18 साल कम से कम है, 31 साल जो है अधिकतम है। आयु सीमा में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस जो है दोस्तों जनरल ओबीसी के लिए 800 है, एससी एसटी के लिए 400 है और पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा और डिग्री पास के लिए भर्ती है। इसके आवेदन जो है दोस्तों 13 अप्रैल से 12 मई तक चलेंगे, तो 12 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। यहां से आप क्लिक करेंगे तो आपको भर्ती की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप यहां से सूचना को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो भर्ती निकाली गई है कैटेगरी वाइज कितने कितने पदों पर भर्ती है, पूरी जानकारी लेकर के अप्लाई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं एक और बंपर भर्ती की ओर जो निकाली जा रही है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की तरफ से। जी हां दोस्तों, सीआरपीएफ की तरफ से कांस्टेबल के पदों पर 2023 में आ चुकी है महाभर्ती। दोस्तों यहां पर जो पद है 1,29,000 से अधिक पदों पर भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ऑफिशियली। कांस्टेबल जीडी की भर्ती होने जा रही है जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। डिफेंस की जॉब है। सैलरी आपको 21,700 से लगभग 70,000 रुपए महीना मिलेगी। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की है। सिलेक्शन का प्रोसेस जो रहेगा सीबीटी बेस एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये रहेगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। यहां पर जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 23 साल है और आईसीयू में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस जो है दोस्तों जनरल ओबीसी के लिए 100 है, एससी एसटी के लिए फ्री है और पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। और दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इस भर्ती के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों जल्द ही इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं। नोटिफिकेशन आते ही, आवेदन शुरू होते ही चरण के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक और नई भर्ती की ओर जो निकाली जा रही है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आई नई भर्ती की। 200 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है जो कि जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की भर्ती है। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। सैलरी आपको 19,900 से 63,000
2200 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन का प्रोसेस केवल लिखित परीक्षा रहेगी। एग्जाम का पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल है, ठीक है। आयु सीमा में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 1000 है, एससी एसटी के लिए 600 रुपए है, पीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल फ्री है। बाकी इन सभी को पेमेंट जो है ऑनलाइन करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 10+2 अगर आप दोस्तों 12वीं कक्षा पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है 22 मार्च से शुरू हो चुके हैं जो कि 20 अप्रैल तक चलेंगे। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। यहां से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी भर्ती की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टीचर की भर्ती की ओर। दोस्तों अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बता दें कि 3120 पदों पर भर्ती आ चुकी है जो कि JSSC की तरफ से निकाली गई है। PG TTCE की भर्ती है। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस केवल लिखित परीक्षा है। सैलरी आपको मिल रही है 25,500 से 81,100 रुपए महीना। एज लिमिट जो है 21 से 40 साल रखी गई है और आई सीमा में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए 50 है और पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं पास और ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है। आवेदन जो है 5 अप्रैल से 4 मई तक चलेंगे, ठीक है। तो 4 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। यहां से आप क्लिक करके दोस्तों नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है कोल इंडिया की तरफ से, यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों यहां पर भी बड़ी भर्ती आ चुकी है। 330 पदों पर भर्ती निकाली गई है जो कि सिरदार माइनिंग सिरदार के पद है, इलेक्ट्रीशियन के है, डिप्टी सर्वेयर के हैं और असिस्टेंट फोरमैन के पद हैं, ठीक है। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी आपको 31,852 रुपए महीना मिल रही है। सिलेक्शन का प्रोसेस केवल CBD बेस एग्जाम के थ्रू रहेगा और एज लिमिट जो है 18 से एज पर रूल्स है, एज का इलेक्शन भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं ITI डिप्लोमा पास सभी के लिए भर्ती है। इसके आवेदन जो है 30 मार्च से 19 अप्रैल तक चलेंगे। यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों इन भर्तियों के अलावा और भी बंपर भर्तियां हैं जिसकी जानकारी आप हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट से सकते हैं, tipsviralbus.xyz से। यहां पर भी आपको रोजाना सब नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है और आप sarkaritudaynews.com से भी विजिट करके जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की नई भर्तियों की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।